चंदा मामा को कहा था। जाता मैं चंदा मामा से करता करता बात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, है ना। चलिए तो अच्छा, ये जिसको नहीं पूरी पूरी नहीं याद है कविता तो वो और याद कर ले, जिसकी प्रतीति ने केवल ऐसे सुनाई जो एक भी कहीं गलती नहीं की है, दिव्यांश ने हल्की सी की है तो थोड़ी थोड़ी जिसकी गलती हुई है, और कल आपको अंजलि को, आराधना को, सृष्टि को पूरी पूरी सुनाना है कल कविता, ठीक है। पूरी याद होना चाहिए अंजलि आराधना दोनों जन को और आपको भी, ठीक है। और ये वाली आपको कल को आपको सुनानी पूरी नहीं है याद है, क्या? आपको पूरी नहीं याद है, पूरी आपको भी सुनाना है। सब लोगों से फिर पूछेंगे हम, सब बाकी लोगों को तो याद ही है, इन लोगों को पूरी याद करना है। अभी हम पूछ रहे हैं आप लोगों से शब्दार्थ, शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर सब पूछेंगे, याद करके आए हैं। अपनी बुक क्लोज कर लीजिए सब लोग, प्रतिथि क्लोज कीजिए। चलिए हाँ, तो बताइए कुट्टी करना मीन्स क्या होता है, कुट्टी करना बताइए यश। अच्छा सूप माने क्या होता है, सूप बताइए। आपको हाथ उठ रहा था ना, नहीं उठ रहा क्यों? मेरा नहीं, पर आपको क्यों नहीं याद है, आपको होमवर्क भेजा था कल, मिला था आपको, फिर क्यों नहीं याद किया आपने? फिर बताइए, अंजलि आराधना को नहीं आता है, सृष्टि को नहीं आता, इन लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है ना, बताइए। हरीश बताइए, सपनों, सब्जियों का गरम रस पीते हैं ना हम लोग, सूप पीते हैं ना हम लोग, घर में पीते, सब लोग पीते हैं। हाँ बैठ जाइए, गरम गरम बैठ जाइए, ये शाम भी बैठ जाइए, गरम गरम सब्जी बनती तो उसका सूप निकाल निकाल पीते हैं ना, तो वो उसको सूप बोलते हैं। वैसे सूप इसको नहीं बोलते, जो रोज घर में सब्जी बनती है उसके रसे को जो हम लोग पीते हैं वो सूप नहीं होता है। सूप क्या होता है कि जैसे टमाटर का सूप बनता है, इसको बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, फिर इसको रसन रस निकाल लेते हैं, सब्जी वाला नहीं। हाँ सबके घरों में बनता है, सर्दियों में लग सब लोग, हाँ फिर उसमें नमक मिला लेते हैं, काली मिर्च मिला लेते हैं, हाँ बाहर नहीं पीना चाहिए ना, घर में बना के पीना चाहिए, घर का बना हुआ अच्छा होता है, घर में बना के पीना चाहिए बेटा। चलिए खैर आप बताइए कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चंदा मामा, आ जाना साथ मुझे कल ले जाना। लक्ष्मी जब हम पूछेंगे तब बताइए, बैठ जाइए। साथ मुझे कल ले जाना, थपकी दे दे कर बताइए सक्षम, थपकी दे दे कर, हैंड ओवर करिए किस चीज को आता है, सक्षम बताइए, थपकी दे दे कर, अम्मा मुझे रात में हाँ यस क्या, हाँ बताइए लक्ष्मी सुनाइए, बताइए लक्ष्मी ने ये, हाँ सबकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, केवल उतना ही बोलना है। हाँ अभी नहीं रुकिए, 1 बजे छुट्टी, 5 मिनट की देरी अभी। अब बताइए बच्चा किससे बात कर रहा है, बैग बंद कर लीजिए, ओरल पूछना है, बच्चा किससे बात कर रहा है, आराधना बताइए। अरे तो बोल तो दीजिए, मुंह से बोलना है। अरे बच्चा किससे बात कर रहा है, फिर ये बोलिए ना, बच्चे की छुट्टी कब से है, कल से है। अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती हैं, टमाटर का सूप। चांद हमें क्या देता है, प्रतिदी बताइए, बच्चा किससे बात करते हुए सोता है नव्या। अच्छा बताइए सर्वनाम शब्द बताइए, मामा जी मुझे साथ में ले जाना, ये तो है। कल छुट्टी है मेरी, चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ, चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ, मैं प्याली में पानी पीते हैं नव्या, वे माँ कालिस्तान थपकी देकर सुलाती है, माँ थपकी देकर सुलाती है, बताइए हरीश।
यस अंजलि, माँ थपकी देकर सुलाती है किसे, बताइए। यश बोलिए, मुझे मुझे मुझे। अभी इन लोगों को निकालना नहीं है, दो तीन मिनट है, एक पूरा नहीं हुआ है। आप बताइए, सब लोग बैठ जाइए। विराम चिन्ह जानते हैं, जानती है प्रतीति, बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें। मयंक, तो तब भी तो पूछेंगे ना, ये तो हम ये भी पूछा था, सारे क्वेश्चन आंसर कल पूछे थे ना हमने। फिर मयंक एक लड़का है, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा इसमें। हरीश बताइए, आपको नहीं मालूम है। यश आप बताइए, मयंक एक लड़का है, बताइए। लक्ष्मी कौन सा चिन्ह लगेगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। मेघा, नेहा और स्वाति आई, मेघा, नेहा और स्वाति आई, बताइए दिव्या। तुम्हारा क्या नाम है अक्षिता, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा इसमें। तुम्हारा क्या नाम है बोलिए अक्षिता। तुम्हारा क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी का प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्यों हाथ खड़ा की थी, अब नहीं आता था तो सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। वाह कितना सुंदर दृश्य है, किसी को नहीं आता, प्रीति को भी नहीं आता, नव्या को आता है कंफ्यूजन है ना, सिर्फ एक दिव्यांत को आता है। नव्या बताइए जरा, आता है तो कहाँ अल्प विराम लगेगा बताइए। विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके थोड़ी देर क्लास, ओके कल आप लोगों को हम टेस्ट लेंगे। रुकिए रुक जाइए, लाइन बना खड़े जाइए, कल आप लोगों का टेस्ट लेंगे बेटा, मैं क्लास टेस्ट सुनहरी धूप पाठ एक से लेके नौ तक, और इसके अलावा फिर कल व्याकरण पाठ याद करके आइएगा, पाठ सात से है ना, पहला पाठ जो परीक्षा में आने वाला वहां से याद करिएगा, ठीक है। ओके गुड डे, हाँ बोलिए।